हेलो फ्रेंड्स, जिया कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं थ्री लेयर चीज सैंडविच, जो सभी को बहुत पसंद आएंगे। और इसमें हमने ढेर सारी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल किया है और पनीर का भी किया है, जो कि फुल प्रोटीन से भरा है। और इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल लिया है और ये वेजिटेबल्स ली है। इसमें हम डालेंगे हरी शिमला मिर्च कटी हुई, ये बारीक कटा हुआ पनीर, बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ लाल टमाटर और ये बारीक कटे हुए प्याज। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बारीक काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, और भी वेजिटेबल ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अब इसे हम इन दोनों बाउल्स में डाल लेते हैं। इन्हें हम अलग-अलग ही बाउल में डालेंगे। एक बाउल में हम पिज्जा सॉस डालते हैं, आप पिज्जा सॉस की जगह टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दूसरे बाउल में हम मेयोनीज डालेंगे। ब्रेड पे हम दो अलग-अलग लेयर्स लगाएंगे, एक पिज्जा सॉस की या टोमेटो सॉस वाली, एक मेयोनीज वाली। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ब्रेड सैंडविच का। इस तरह से ये दोनों मिक्सचर तैयार है। अब हम यहाँ एक प्लेट लेते हैं। अब इसमें हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे। अब पहली लेयर हम लगाते हैं पिज्जा सॉस वाली। अब ये सारा हम अच्छे से इस पे स्प्रेड कर देंगे, ये चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं इसके। अब इस पर एक चीज स्लाइस हम इस पे रखेंगे। अब दूसरी ब्रेड स्लाइस लेते हैं, इस पे हम टोमेटो केचप लगा देते हैं चारों तरफ। अब इसे हम इस चीज के ऊपर रख देंगे। अब इस पे हम मेयोनीज वाला मिक्सचर चारों तरफ अच्छे से लगाएंगे। दो अलग अलग लेयर होने से दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सैंडविच का। अब फिर हमने इस पे भी एक चीज स्लाइस रख दी है। और फिर एक और हम ब्रेड लेते हैं, इसे भी हम टमाटो सॉस से चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब ये इस सैंडविच की तीसरी लेयर हो गई। अब इसके ऊपर हम इसको पहले अच्छे से हम दबा देते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाए ये। अब इस पे हम मोजरेला चीज अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, ये चारों तरफ से मोजरेला चीज लगा देते हैं। आप मोजरेला चीज के साथ चीज स्लाइस भी लगा सकते हैं। ये मोजरेला चीज अच्छे से लगा दिया। अब इस पे हमने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया है। अब इसे हम बेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ एक कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम लो रखी है और ये थोड़ा सा बटर डाल के इसे हम इसे ग्रीस कर लेते हैं। और जो सैंडविच तैयार किया है हमने, ये इस पे हम रख देंगे। हमने ये कढ़ाई थोड़ी डीप वाली ली है, ताकि ये सैंडविच का ढक्कन इससे टच नहीं होए। अब इसे हम ढक देंगे, और इसमें ढक्कन पे जो छेद था इसे हमने बंद कर दिया, ताकि हीट प्रॉपरली आ सके। इस सैंडविच को बनने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। ये देखिए, ये 8 मिनट हो चुके हैं और ये सैंडविच बन के तैयार है। और ये चीज़ भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम इसमें से निकाल लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितना अच्छा सैंडविच बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है। आपको इसे कट करके हम दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चीजी सैंडविच बना है। ये देखिए आप कट करके आपको दिखाते हैं इसके। बिल्कुल चीजी और बिल्कुल अंदर से इसकी स्टफिंग भी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत ही टेस्टी सैंडविच बना है। आप इसे बना के जरूर देखें और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।